जमशेदपुर शहर में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और वर्तमान समय में इसका एक ही सटीक उपाय प्लाज्मा थेरेपी है। अब इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए शहर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष ने अनोखा तरीका अपनाया है, जहां प्लाज्मा डोनरों को टीम संघर्ष खुद उनके घर पर जाकर दुल्हन की तरह सजी हुई गाड़ी में लेकर ब्लड बैंक पहुँचा रहे हैं। वैसे शहर में लगातार प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ाने हेतु कई तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन टीम संघर्ष ने जो तरीका अपनाया है वो काबिले तारीफ है। आपको बता दें कि टाटा मुख्य अस्पताल में सर्जन के तौर पर पदस्थापित डॉक्टर बलविंदर शर्मा, जो 30 वर्षों से वहां अपनी सेवा दे रहे हैं, वो विगत दिनों कोरोना संक्रमित हो गए थे और उनका परिवार उसकी चपेट में आ गया था, जिसके बाद उनके पूरे परिवार ने कोरोना को मात दी। टीम संघर्ष की पहल पर उनका पूरा परिवार प्लाज्मा डोनेशन के लिए तैयार हुआ। टीम संघर्ष ने प्लाज्मा डोनेशन के लिए उनके घर पर दुल्हन की तरह सजी हुई गाड़ी भेजी, जिसमें डॉक्टर बलविंदर व उनका पूरा परिवार बैठकर जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचा और उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार ने प्लाज्मा डोनेट किया। वहीं इस दौरान टीम संघर्ष ने सभी को सम्मानित करने का भी कार्य किया। बातचीत के क्रम में डॉक्टर बलविंदर शर्मा ने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं उन्होंने टीम संघर्ष की इस अनोखी पहल की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। टाटा मेन हॉस्पिटल में सीनियर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे 30 साल हो गया मुझे ऑपरेशन थिएटर में सेवा दे रहे हैं और इस कोरोना काल में मैं 6 महीना से पूरा समाज के लिए काम कर रहे थे, जिससे हमारी पूरी फैमिली कोरोना में ग्रसित हो गई। हमारे बेटा बेटी बहन मेरे पिताजी सब हम लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे और अभी आज टीएमएच की बदौलत हम लोग पूरे सब परिवार ठीक हुए हैं और आज मेरा बेटा प्लाज्मा देने के लिए यहाँ आए गए हैं।